रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि मैं डाइज के ऊपर खड़ा हूं, यहां पर लाहौर स्मार्ट सिटी का ये डाइज है। आज यहां पे एक 3 साल के बाद पुरवकार तकरीब मरकज की गई है, जिसमें 3 साल में जिन लोगों ने प्लाट्स लिए इनको कब्ज़ा दिया गया है, उसके लिए आज ये तकरीब मरकज की गई थी। नाज़रीन हम आपको स्मार्ट सिटी का विज़िट भी करवाते हैं, लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं और आप स्मार्ट सिटी में प्लाट लेके अपना फ्यूचर जो है बेहतर कैसे कर सकते हैं, प्लाट कितने का मिलेगा, कौन कौन लोग जो है वो प्लाट ले सकते हैं और ये बाकी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में उनसे अलग और डिफरेंट कैसे हैं, जैसे कि DHA, बहरिया टाउन और बहुत सारी जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ को इसने जो है वो बिछाड़ दिया है, हरा दिया है, पीछे छोड़ दिया है। ये सारी बातें हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे और जो सेकंड विन प्राइज़ की हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन तो आइए मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर मेरे साथ जो है वो एक सरदार जी मौजूद हैं, वो भी आए हुए हैं। आज उनका इवेंट था पोजीशन और प्लेटिंग के बारे में, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये लाहौर स्मार्ट सिटी कैसा है, किन लोगों को सूट करेगा, किन लोगों को लाजमी यहाँ पर जो है वो घर बनाना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पर, और फ्यूचर में इसके मतलब कि हमारे लिए क्या रियलिटीबिलिटी है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कितना सिक्योर है, ये सारी बातें हम इनसे जानते हैं। सरदार जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल चाल है? फर्स्ट क्लास जी, ठीक ठाक हो? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ओ कहंदे ना सत श्री अकाल नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सरदार जी दसो अज स्मार्ट सिटी की सब तो पहले तो जी इन्हों की अज माशाला तकरीब सी बारे दसो। जी जी बड़ी बेहतरीन तकरीब है, आज बड़ी बेहतरीन तकरीब हुई है, जो कि पोजीशन और यहाँ की बैलेटिंग थी, जिन लोगों ने 1 साल पहले यहाँ पर बुकिंग कराई थी, आज उनकी उनको पोजीशन दी गई है और बड़ी कामयाबी से दी गई कि यानी बहुत ही कम अरसे में, तकरीबन 1 साल के अरसे में इनको पोजीशन दे दी गई। और जहाँ तक कि लाहौर स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है, तो ये लाहौर के लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, बल्कि पाकिस्तान की पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। एक स्मार्ट सिटी है जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं जिसमें आपको यहाँ पर नेट के हवाले से, फिर उसके अलावा से अलावा जो एजुकेशन के हवाले से स्टेम कॉलेज वगैरह बनाए गए, फिर यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बाकायदा बनाया गया और उसके अलावा और बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो अच्छा यहाँ पे इन्होंने अपना क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया? जी जी बिल्कुल, क्रिकेट स्टेडियम बनाया, आगे जाकर ये बहुत बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी देंगे। और मेन रोड से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है और लाहौर वालों को खसूसन यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम दरकार होता है? ये यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जो स्मार्ट सिटी है, ये एक तरफ को GT रोड से लग रही है, दूसरी तरफ रिंग रोड से, फिर इसी तरफ ये मोटरवे को भी टच कर रही है, तो उसकी वजह से ये बड़ा एक्सेसिबल है।
क्योंकि जो लाहौर के लोग हैं वो उनके लिए बड़े बहुत आसानी लाहौर करीब है, फिर यहाँ पर हर सहूलत मुयसर रहेगी, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बेहतरीन किस्म की सड़कें बनी हुई हैं, बेहतरीन किस्म की मस्जिद, हर चीज़ें अवेलेबल हैं जी। नाज़रीन जैसा कि सरदार जी ने आपको बताया है कि यहाँ पर लोकेशन इस तरह की सिचुएशन बनाई गई है कि आपको तीन तरफ अतराफ से जो है ना यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। जीटी रोड से एक्सेस हो सकता है, मोटरवे आपके रिंग रोड जो है बिल्कुल करीब है, इसके अलावा जो है M2 मोटरवे है वो भी आपके करीब है, तो आप तीनों तरफ से आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा तमाम जो फैसिलिटेशन है जदीद, उसका भी यहाँ पर जो है वो सहूलियात दी गई हैं, इसीलिए अगर आप मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसे बाकायदा सुपरवाइज करने के लिए कंसल्टेंट हायर किया गया, और मैं इस वक्त रेजिडेंट इंजीनियर यहाँ कंसल्टेंट की तरफ से, स्पेशल कंसल्टेंट की तरफ से मैं यहाँ जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी को हम चेक कर रहे हैं, यहाँ जितनी रोड्स बन रही हैं, ओवरहेड टैंक्स जो बने हैं, मस्जिद बन रही है, कॉलेज बन रही है, हम सब चीज़ों को हम खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को हम बाकायदा चेक कर रहे हैं। तो ये नहीं कि यहाँ कोई ऐसा काम हो रहा है कि जिसमें क्वालिटी को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, बल्कि इसको इसकी क्वालिटी को देखने के लिए बाकायदा कंसल्टेंट्स हैं, एशियन कंसल्टेंट के नाम से हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हम आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि इसकी हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, सेकंड प्राइज़ विन किया है आज की सेरेमनी में, लाहौर स्मार्ट सिटी के सेकंड विनर जो हैं वो प्राइज़ विन करने वाले भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में ही सारी, और इनको प्राइज़ विन करके कैसा लगा और इन्होंने क्या परफॉर्म किया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मेरा नाम मलिक मोहम्मद फयाज हैदर है और हम CEO करंट एज एसोसिएट्स। अच्छा माशाल्लाह, तो सर कैसा लग रहा है आपको, आपने सेकंड प्राइज जो है वो विन किया है आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे पहले अल्लाह पाक का एक खास करम है और बाकी मेरी टीम करंट एज एसोसिएट की दिन रात की मेहनत है जो आज हमने ये परफॉर्म किया, और ये अल्लाह ने हमें ये टारगेट हमें अल्लाह ने ये एक अवार्ड से नवाजा है। आप मुझे ये बताएं, ये जो सादा व्यूअर्स हैं, लोग देख रहे हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लान लेना चाहते हैं, उनको आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे इस स्मार्ट सिटी के बारे में? देखें जी, लाहौर स्मार्ट सिटी पूरे लाहौर के लिए गेम चेंजर है, जो जो अभी इसमें प्लाट ले सकते हैं ये आखिरी चांस है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी में प्लाट ले लें, कल उनको ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसकी एक साल की कारकर्दगी कैसी है? ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट इन्होंने दिया था और 1 साल में इन्होंने पोजीशन दे दी है, इससे बढ़ के और क्या कारकर्दगी हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, आपसे बहुत आपने सुना कि लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में कि 3 साल में उन्होंने पोजीशन जो है आपको दे दी है। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, दोबारा हज़रत हैं, अल्लाह हाफ़िज़।